हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समोसे तो हम पहले कई बार खा चुके हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से और नए डिजाइन के समोसे, जो बच्चे बड़े सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। पहले समोसे का मसाला बनाते हैं। एक पैन लिया है मैंने, 2 चम्मच तेल डाला है, थोड़ा जीरा और कड़ी पत्ता डाला है। जीरा लाल हो गया है, इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसको डाल के थोड़ा भून लेंगे। ये 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाला है, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको डाल के मिला लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे और मसाले को हम ऐसे ही ठंडा होने देते हैं। चलिए आलू को मैश कर लेते हैं। ये करीब 1 kg आलू है। अब इसमें डालेंगे हम कटे हरे धनिया के पत्ते और ये जो मसाला हम बना के रखे हैं भून के, इसको डालेंगे। भुने हुए मसाले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है समोसे में। ये देखिए, अच्छे से डाल लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच अजवाइन। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए इसको। इसको हम मिला लेते हैं। आलू के मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब समोसे का आटा लगाएंगे। 250 ग्राम मैदा लिया है मैंने, इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे, उसको क्रश करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, इसको मिला लेंगे। और ये छोटे चम्मच से 4 चम्मच तेल है, इसको मैंने गुनगुना कर लिया है थोड़ा, इसको हम मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो को ज़्यादा ढीला नहीं रखेंगे, टाइट ही गूंधेंगे। देखिए आटा तैयार हो गया हमारा, इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। 10 मिनट हो गया है, चलिए अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। इसको हम छोटे छोटे लोई की तरह काट लेंगे। एक गोले को लेंगे और हाथों से चिकना करके उसमें मैदा लगाएंगे और उसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसको बिल्कुल पतला बनाना है हमें और बना के हम इस तरह सभी को रख लेंगे। एक को हमने लंबे आकार में बनाया है, देखिए इसको हम बीच से काट देंगे और जिस हिस्से से काटा है वहाँ पर हम पानी लगाएंगे। आधे से फोल्ड करके इसको एक दूसरे के ऊपर रख के हम अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये तेल में जाके खुले ना। थोड़ा सा आलू का मसाला लेंगे, पहले डालेंगे ताकि ये कोने तक पहुँच जाए, उसमें और आलू का मसाला डालेंगे और चारों तरफ से हम पानी लगा लेंगे। पानी लगाने के बाद इसको हम बीच से पकड़ के पहले चिपका देंगे, फिर नीचे रख के हम इसको अच्छे से दबा देंगे। ये नॉर्मल समोसा हमारा तैयार हो गया है, दूसरा बनाते हैं। इसको बनाने के लिए पहले चारकोन शेप में काट लेंगे। इसको थोड़ा और पतला करेंगे, जितना पतला रहेगा उतना बढ़िया समोसा बनके हमारा तैयार होगा और उतना ही क्रिस्पी बनेगा। इसको पहले एक निशान दे देते हैं। ये 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, एक कोने को हम चाकू से काट देंगे। पूरा भी कट जाए कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के सामने वाले जो कोना है उस पर हम मसाला रखेंगे आलू का और चारों तरफ पानी लगा लेंगे। और कटे हुए हिस्से को उठाएंगे और इसको हम ढक देंगे और चारों तरफ से अच्छे से चिपका लेंगे। और जो 2 तरफ बच गए हैं उसको 1/2 इंच का हम एक रिबन की तरह काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से
और एक हिस्से को उठाएंगे और दूसरे हिस्से की तरफ ले जाके चिपका देंगे उसके सामने। ये देखिए इस तरह से हम इस तरफ से उठाएंगे उस तरफ चिपकाएंगे और उस तरफ को उठा के इस तरफ चिपका देंगे। ये पॉकेट वाला डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए चिपका दिया मैंने लास्ट में, थोड़ा पानी लगाएंगे कोने पे और इसको भी चिपका देंगे। और ये थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए हैं, इनको हम चाकू से काट लेंगे ताकि बराबर शेप में आ जाए। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये। ये दूसरा डिजाइन हमारा तैयार हो गया है, चलिए तीसरा डिजाइन बनाते हैं। इसको भी हम पतला बेल लेते हैं, इसको भी चाकू काट लेंगे। इसको आधा फोल्ड कर देंगे, एक निशान दे देंगे आधे पे। ये देखिए आधा फोल्ड हो गया, आधे के बीच में हम आधे आधे इंच पे निशान दे देंगे, काट देंगे। ये देखिए इसको कोने से बिल्कुल काटना नहीं है, आधे के नीचे से काटना है, आधा के ऊपर छोड़ देना है। तो हम आलू का मसाला लेंगे और उसको लंबा करके जो कटा हुआ नहीं है उसके हिस्से पे रखेंगे ऊपर और पानी लगा लेंगे और उसको हम आधे पे फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद इसको हम सब में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेते हैं और इसको हम रोल करते हुए लाएंगे। ये देखिए ये देखिए अच्छे से रोल कर लिया है मैंने। अब इसको हम धीरे से घुमा देंगे और दोनों कोने पे पानी लगाएंगे और अच्छे से हम सील कर देंगे ताकि तेल में जाके ये खुले ना। ये भी कंगन वाला डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। इस तरह तीसरा डिजाइन भी हमारा तैयार हो गया है, चलिए चौथा डिजाइन बनाते हैं। इसी तरह एक और लेंगे रोटी, उसको देखिए मोड़ देते हैं, आधे से निशान दे दिया मैंने। आधे का जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम तिरछा तिरछा आधे आधे इंच पे काट लेंगे। ये देखिए और फिर उसको हम फोल्ड कर देंगे और चिपका देंगे। ऊपर का हिस्सा है उसमें पानी लगाएंगे और जैसे नॉर्मल समोसा बनाते हैं उस तरह से हम इसको भी बनाएंगे। ये देखिए सील कर दिया है मैंने। अब थोड़ा सा आलू का मसाला नीचे डालेंगे ताकि कोने में तो पहुँच जाए और फिर और आलू का मसाला डालेंगे और इसको हम चारों तरफ पानी लगा के बिल्कुल समोसा तैयार कर लेंगे। यह है चौथा डिजाइन हमारा, ये भी बहुत सुंदर लगता है। चलिए एक और बनाते हैं। इसको चाकू शेप में काट दिया है मैंने और इसको थोड़ा और पतला बेल लेंगे। और देखिए चारों तरफ से हम मोड़ देंगे बिल्कुल पॉकेट की तरह। अब इसमें हम आलू का मसाला रखेंगे थोड़ा और चारों तरफ से उठा के इसको हम सील कर देंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा पानी लगाएंगे और अच्छे से हम सील करेंगे ताकि तेल में जाके खुले ना। देखिए अच्छे से सील हो गया है। इसको हम उल्टा करेंगे और ये दबा रखे हैं जो, इसको हम निकाल देंगे चारों तरफ से। ये फ्लावर वाला डिजाइन भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह हमने पांच डिजाइन के समोसे बनाए हैं। चलिए तलते हैं, तेल गर्म हो गया है, एक एक करके डालेंगे हम और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। इसको चारों तरफ से चलाते हुए ऐसे ही हम पकाते जाएंगे। इसको तेज फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, तेज फ्लेम पे लाल हो जाएगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। ये देखिए क्रिस्पी गर्मा गर्म समोसे हमारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह और भी समोसों को हम तल लेंगे। ये
ये सभी समोसे तैयार है। अब हरी चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। ये देखिए नॉर्मल समोसा जो हम मार्केट से लाते हैं, ये कंगन वाले हैं, ये फ्लावर वाला डिजाइन है, और ये क्रिसमस ट्री वाला है, और एक पॉकेट वाला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।